एवरीवन नमस्कार। टाइम्स ऑफ तरुण से मैं शिवम और आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आप पहुंचे हैं बड़ी अनहोनी और अपने भाई साहब सिद्धांत पटेल हमारे साथ हैं। तो यहाँ है गर्म पानी का कुंड जहाँ पर लोग आते हैं और वो हमने एक बार बनाई थी वीडियो जो छोटी अनहोनी थी और ये बड़ी अनहोनी है और अंतर इतना है कि वो होशंगाबाद में है और ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो चलिए दिखाते हैं आपको गर्म पानी का कुंड और एक खूबसूरत मंदिर। ये है प्रवेश द्वार और यहाँ से चलते हैं मंदिर और ये पूरा प्रांगण बना हुआ है अनहोनी गर्म पानी कुंड। छोटी अनहोनी जो कि वो हमारे होशंगाबाद जिले में है और एक है बड़ी अनहोनी जो कि छिंदवाड़ा जिले में है और जिस वक्त अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो दोनों में अंतर कुछ नहीं, बस जिले में दोनों अलग अलग जिले में हैं। और छोटी अनहोनी में जो है पानी थोड़ा कम गर्म है और बड़ी अनहोनी का पानी जो है बहुत गर्म है, लोग यहाँ पर नहा नहीं पाते हैं। और छोटी अनहोनी में जो है कुंड बने हुए हैं नहाने के लिए और पानी में जो आग लगती है वो तो छोटी अनहोनी में लगती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर केवल आप नहा सकते हैं। और एक बढ़िया सा मंदिर है, ये है वो गर्म पानी का कुंड जहाँ पर लोग आते हैं स्नान करते हैं। ये रहा गर्म पानी और एक कुंड ये यहाँ पर है, इसको पैक कर दिया। इसकी स्थिति जो है पहले से काफी ज्यादा बदला चुकी है, पहले ये यहाँ तक भरा हुआ करता था, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ तक ये भरा हुआ करता था, लेकिन अब ये बंद हो गया है इतना, मतलब पहले यहाँ पर नहाते थे खूब तरीके से डूब के लोग, पर अभी आपको क्या है बाल्टी लेनी पड़ेगी और मग्घे से आपको स्नान करने पड़ेंगे और फिर मंदिर के दर्शन। और एक कुंड रहा ये, और इस कुंड की खासियत ये है, ये जो आप कुंड देख रहे हैं ये, इसमें आप चावल डालेंगे तो चावल पक जाते हैं, इसका पानी बहुत गर्म है, इसलिए भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे जो है पूरा बंद कर दिया। ये देखिए ये यहाँ पर कुछ चावल डले हुए हैं, कुछ अनाज डला हुआ है, तो जिसको जो लगा वो इसमें डालते हैं, तो पैक है ये हालांकि। और देख सकते हैं बुलबुले यहाँ पर निकल रहे हैं पानी में से, ये पानी जो है खोल रहा है भाई साहब, खोल रहा है और पानी बहुत गर्म है। और ये मंदिर है, ये भोले बाबा हैं और ये भाई लोग हैं अपने। ये है प्रतीक्षालय, यहाँ पर बढ़िया एकदम आप देख रहे हैं ऊपर छत लगा हुआ है ताकि धूप ना लगे, और बैठने के लिए यहाँ पर बाकायदा कुर्सी लगी हुई है। और ये भाई साहब नहा कर नहीं आए हैं, हम नहा के आए हैं। हाँ, तो इनका प्लान था यहाँ नहाने का, लेकिन गर्मी जो है बहुत बहुत ज़्यादा, इनका प्लान जो है यहाँ का कैंसिल हो गया नहाने का। तो अब हम जाएंगे नहाने जाएंगे सद्धारा, यहाँ से थोड़ा सा दूर है, 11 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये स्थान जो है पिपरिया से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, आपको मटकुली आना पड़ेगा, उसके बाद झरपा और झरपा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से सद्धारा जो है वो 11 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि वो झरपा से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ पर चलते हैं। प्लान यहाँ का था नहीं, प्लान जो था हमारा वो था भेड़ाघाट का, जबलपुर का, ये आप देख रहे हैं ना। हाँ, इस व्यक्ति ने वो प्लान कैंसिल कर दिया और कल रात को फ़ोन करके बोला कि नहीं अपन नेक्स्ट डे प्लान करते हैं भेड़ाघाट का। तो बोले आपका प्लान क्या, हमने कहा भैया कोई प्लान नहीं है, आप प्लान बनाओ। तो कल रात को 7:30 बजे फ़ोन करे बड़ी अनहोनी का, बड़ी अनहोनी चलो ठीक है। तो आज सुबह जो है हम बड़ी अनहोनी और 12 बज रहे हैं अभी, का लेट निकले थे हम घर से, निकलना मतलब जल्दी नहीं हो पाया क्योंकि तैयारी में 10 बज गए और बढ़िया घर से कंप्लीट होकर निकले हैं, नहा कर खाना खाकर सबसे बड़ी होकर। तो बस चलते हैं और आपको दिखाते हैं हम एक बढ़िया खूबसूरत सा मंदिर और चिंताओं में।
आप ये जो पीछे हमारे देख रहे हैं ये है सतपुड़ा का जंगल और ये सब टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ज्वाला देवी माता का मंदिर है और दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर है और बाहर बैठे हुए हमारे भोलेनाथ एकदम मस्त बिना किसी चिंताओं के। तो हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हुए हैं जो कि छिंदवाड़ा से आए हैं और इस स्थान के बारे में कुछ उनके विचार हम जानेंगे। जय शिवा, जय बड़ा देव, जय गोंदवाला। ये जो प्रतिमा दिख रहे हैं आप लोग, ये दादा हमारे मोतीरावर कंगाली दादाजी हैं जो पेनवासी है, जो इनका नागपुर के रहवासी है। और बोले तो हम लोग छिंदवाड़ा से चल के आए हैं। ये गर्म कुंड अनहोनी अपना छिंदवाड़ा जिला में आता है। छिंदवाड़ा जिला से लगभग यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी होगा और झिरपा जो बोलते हैं तामिया ब्लॉक में आता है ये। झिरपा से 10 किलोमीटर झिरपा 10 किलोमीटर गर्म कुंड अनहोनी है जहाँ पे पहले चावल पकता था। हाँ। बहुत ज़्यादा उकलता था तो किसी व्यक्ति ने आजमा के देखा चावल तो जो पानी जो उकलता था वो वैसे कम हो गया बोलते। अच्छा। पहले ज़्यादा था। हाँ। और बहुत से लोग आके देखते हैं पानी गर्म वैसे है वैसे बहुत अच्छा। हाँ। अभी उस तक नहा नहीं सकते वो बहुत गर्म। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं मतलब? हाँ पहले, ये दूसरा बार आ रहा है, दूसरा बार हुआ यहाँ पे आने का। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया स्थान लगा? बढ़िया स्थान लगा, बहुत अच्छा है। तो ये भाई साहब हैं जो कि छिंदवाड़ा से हैं और अभी ये फेसबुक पर लाइव ये सब चला रहे थे ये स्थान, तो इनके सुझाव जो हैं वो बहुत बढ़िया, इन्हें जो बढ़िया लगा। और बाकी और कुछ? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हमारे भोलेनाथ, इनसे मुलाकात ही नहीं हुई हमारी, तो इनसे मिलाते हैं आपको और बस फिर चलते हैं। ये बैठे हैं हमारे बाबा भोलेनाथ, भोले भंडारी। तो चलते हैं और इनके दर्शन से जो है पूरा दिन बन जाता है किसी का भी हो, पूरा दिन एक नंबर प्लेस है ये घूमने के लिए। और शांति जो है बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पर, एकदम आप प्रकृति के नज़दीक हैं। पेड़ हैं जो कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। और साफ़ सफाई जो है, साफ़ सफाई भी यहाँ पर बहुत बढ़िया रखी गई है। साफ़ सफाई तो ज़रूरी है और चूँकि ऐसे प्लेसेस पर होना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता परिसर है सामुदायिक सभी के लिए और एक कुआं है और जिसको फिलहाल बंद कर दिया ऊपर से। वहां की यदि आप कहीं बाहर से आते हैं तो आपको दुकानें मिल जाएंगी यहां से प्रसाद वगैरह लेने के लिए। ये कुछ दुकान हैं और यहाँ पर भी कुछ दुकानें मिल जाएंगी, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ पर आप चाय नाश्ता सब कुछ कर सकते हैं, तो एक बढ़िया प्लेस है यहाँ पर फैमिली के साथ आने के लिए, आप यहाँ पर आएं। तो एक मंदिर जो है अभी यहाँ पर निर्माणाधीन है ये, और ये मंदिर है राम जानकी मंदिर। चलते हैं अंदर और देखते हैं। तो इसका काम जो है अभी चल रहा है, जब पूरा हो जाएगा 1-2 साल में तब ये बहुत बढ़िया लगने वाला है।